नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों ने घात लगाकर नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों पर जमकर फायरिंग की है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। अचानक हुए इस हमले के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई है। अन्य कर्मियों के घायल होने की बात सामने आ रही है। बांदीपोरा जिले के गुलशन चौक पर तैनात पुलिस पार्टी को आतंकियों ने शुक्रवार को निशाना बनाया। इसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों के इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों को गोलियां लगी हैं। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद के तौर पर हुई हमले के तुरंत बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मची हुई है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।